तशरीफ ले आ रहे ने। क्यों काजी साहब, इन्हां सिखां दे होश ठिकाने आए कि नहीं? गुस्ताखी मुआफ नवाब साहब, मैनू अफसोस नाल यह कहना पै रहा है कि यह लोग तो थंदे खड़े ने, इन्हां ते किसे गल का असर ही नहीं। ये तां मुगल हुकूमत की इट नाल इट खड़का के खालसा राज स्थापित करन दे सुपने लै रहे ने हजूर। खालसा राज कमियां दी फौज राज करेगी हुण हजूर? ये तो बादशाह सलामत भी परवाह नहीं करते, बस अकाल तख्त नूं अपनी शक्ति मानते हैं ते अपने आप नूं संत सिपाही दसते हैं। अच्छा हजूर, ये तो मौत नूं भी माहौल करते हैं। माहौल इन्हां ने मीर मनु की तलवार का कहर अजे वेख्या ही कित्थे है जो ये मौत नूं माहौल कर। कसम है मैनू इस तलवार की, इन्हां सिखां नूं अजिही मौत मारांगा जिस मौत नूं वेख के मावां भी खुदा अगे दुआ करन कि किते गलती नाल उन्हां दा बच्चा सिख ना बन जाए, काफर सुपने विच भी सिख बन तो खौफ खान। ऐलान कर दिओ कि हकूमत हर सिख नूं बागी करार दी है, क्योंकि नफरत है मैनूं इन्हां सिखां तो, कि मैं इन्हां सिखां दा बीच नाश कर दियांगा। रोई सदी अठारवी उच्ची फुपार जामीर मनु ने खिंच ली म्यार बिचों तलवार गाया
खालसा जी होशियार, मुगल गश्ती फौज का दस्ता दरिया की चाल चो इधर आ रहा है। खालसा जी मुर्चे संभालो। टाल गया है खालसा जी, मुगल कश्ती फौज की टुकड़ी दूर लाइन के वाल निकल गई है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आओ भाई आओ, अमृत छक के हुण तुसी गुरु दे सिंह सज गए हो ते तुहाडी पहली जात कुल वंश सब खत्म हो गए ने जी। हुण तुहाडे पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ते माता साहिब कौर जी ने ते वासी हुण तुसी आनंदपुर दे हो गए हो। सत वचन जथेदार जी, मेरा नाम हुण रामलाल तो विजय सिंह हो गया है ते मेरी सिंगणी शीला तो शील कौर ते भुजंगी। बाबा जी मैं हुण तो गुणी रहा, मेरा नाम सरदार वरियाम सिंह हो गया है। ओ शाबाश भाई भुजंगी, शाबाश। खालसा जी, सिख ने अपना जीवन गुरु नूं समर्पित करके नाम बाणी नाल जुड़ के जिथे अपने जीवन नूं उच्चा ते सुच्चा बनाउणा है उत्थे समुची लुकाई लई सांझी वालता दे गुरु उपदेश नूं समुचे जगत तक पहुंचाउण दा उपराला भी करना है। सिंगो, खालसा अकाल पुरख ते हलीमी राज दी फौज है। गरीब ते मजलूम दी रक्षा करनी ते जुलम नाल टक्कर लैणी खालसे दा परम धर्म है। अज तों तुहाडा घर घोड़े दी काठी है ते जाबर नाल टक्कर लेना तुहाडा करम है। सिख होना गुरु नानक देव पातशाह दे इन्हां शब्दां दा सचात्मक रूप है। जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मोरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। जथेदार जी, इन्हां अनमोल बचनां नूं असीं मन बच करम करके पालांगे, जान दे देवांगे पर करम नहीं जान देवांगे। भाई विजय सिंह जी, मीर मन्नू दा जुलम दिन ब दिन वधदा जा रहा है। ये जालम गरीब जनता नूं सता रहा है। सिख इस अन्याय दा विरोध कर रहे ने, इसलिए मीर मन्नू दी अखां कंडे वांगू रड़कदे ने। सिखां दा बीज नाश करन दीआं बातां पाईआं जा रहीआं ने। विजय सिंह जी, हुण तुसीं वी इस अन्याय दे विरुद्ध डट जाओ। जथेदार जी, समुची मानवता नूं प्रेम करन वाले ते सच दी आवाज नूं बुलंद करन वाले सिंघां नूं इउं कोई नहीं दबा सकदा। सिखी इंकलाब नूं नेस तों नाबूद करन दा इरादा मीर मन्नू जिहे शैतान दा केवल एक सुपना है जिस नूं सिंह कदे भी साकार नहीं होण देणगे। मन्नू साडी दातरी, असे मन्नू दा सोए, जो जो मन्नू वधदा असी दून सवाए होए। बोले तो न्यू
हुकम मीरुल वक्त हजूरे आला मीर मन्नू वालिये लाहौर तख्ते शाही बनाम खलकत सिखा दिया रोज बरोज बद्दिया सरगर्मिया दे मद्देनजर सिखा दी हस्ती गैर कानूनी है। सिख दा मतलब है हकूमत दा बागी ते आगाह कीता जांदा है एना नाल कोई संबंध ना रख्या जाए। एना दी मदद करन वाले पनाह देन वाले या रसद पानी पहुंचान वाले दा कान बच्चा पीड़ दिता जावेगा। कई हिंदू अहुदेदारा दे टब्बर सिख बन के काफरा नाल जंगला विच जा रहे ने। एहो जे अहुदेदारा नू कुत्तिया अगे पवा दिता जावेगा। कुछ सिर फिरे मोमन भी काफरा नू शह दे रहे ने। ए हकूमत दे बागी समझे जानगे ते सजाए मौत दे मुस्तहक होंगे। एना बागियां दी सू खबर देन वाले नू या गिरफ्तार करवाउन वाले नू हकूमत वालों रजवे इनामा नाल निवाजिया जावेगा। पंडा पंडारिया किन्ना कपार एक मुठी चुक ले दूजी तैयार गजनी गया गौरी आया हुन मन्नू दी आई वार। दुर्लानत जड़ा मनु नू आके अपना यार फिटे मुंदे छित्तर मो छित्तर मो छित्तर मो सिख बागी है क्योंकि वो गैरतमंद है वो गुरु दे फर जांदा है क्यों ठीक है ना ठीक ओए बिटर बिटर की चाकी जांदे हो तमाश बिनो मेरे वल वेखो अखा चखा पाके हां ओए आटे दे दीवियो अपनी औकात पछाणो अपनी औकात। अंदर तुसी वड़दे हो तो थानू चूहे पैंदे बाहर निकलदे हो तो कां आ गिर जा डम 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 डम। ओ ब्रादर तू तां पांच वक्त दा नमाजी है अल्लाह कोलो डरता है हुण इना कोलो भी डरी चन्न है। ओए तू तां सच नू पछाण सिखा ने सच पछाण लिया है ताई तो बागी अखवांदे है। ओए जदों ए जालम थोड़ियां तियां पैणा नू तक्को जोरी चुक ले जांदे तो उना दा राह ए सिख ही रोकदे है ते थोड़ियां इज्जतां करो करी पहुंचांदे है। हां ते जदों तुसी रेशम दियां तलाइयां ते कूक सोंदे हो ताओ बचारे पो माग दिया राता जंगल बेलियां च कटदे होए है ना तुरकां विरुद्ध लड़दे है लड़दे है ते मरदे है बचारे। ओए जीते रहो मेरे पुत्रो वो साड़िया उम्रा भी थोड़ा नकल हुए ओए याद रखो जे जुल्म करना पाप है तो जुल्म सहना भी पाप है। लो लो आगे जे चंगे आगे है की बकवास कर रहे हैं तुम बकवास। पंडा पंडारिया किन्ना कपार एक मुट्ठी चुक ले दूजी तैयार गजनी गया गौरी आया हुन मन्नू दी आई वार। तुर फिटे मुंह जड़ा मन्नू नू आके यार फिटे मुंह दे छित्तर मार छित्तर मार छित्तर मार छित्तर मार छित्तर मार फलो इसनू इस पे छित्तर मारो।
मार डाल वो जिन्ना मर्जी पालो वाह क्या हुसन है मेरी सुरभ दी लाज तनु तो मेरे हरम विच होना चाहिदा सी ओ दालवा मैं तनु नहीं पटाई ताई जी कर रही हो? कौन? सरस्वती आ जाती है, बह जा। की गल? बड़े चिरा पिछों आई है, कितने वंडे गई हुई सै? आहो ताई, नानके गई सा। मैं की गल है, घर बड़ा भां भां पै करदा, वोटी कितने है? तेरा पोतरा भी नहीं कितने दिखाई दिंदा। वोटी गई है पेके, ते नाल अपने राम लाल नू भी लै गई है। मेरा तो सगों बड़ा दिल घबरा रहा है, कई दिन हो गए ने गया नू, ते उत्तों समा भी किन्ना खराब पिया चलदा है। ताई समा तो खराब किया इन्हां तुरक हाकमां ने, जेड़े साडियां जनानियां नू भेड़ा बकरियां वांग चक के लै जांदे ने, पर असीं तीवियां कतरियां कर भी की सकदियां। इउं ना आख ताई, हुण समा बदल गया है। बाबे नानक ने औरत जात नू बड़ी बहादुरी बख्शी है, इस्त्री की निंदा करन वाले ते पैर की जुत्ती समझन वाले नू सख्त झाड़ पाई है, ते कहा सो क्यों मंदा आखी है जित जमे राजान। की हौली बोल, तू तो साडा कान बच्चा पिड़वाएगी, जे तेरे ताए नू पता लग गया ना। ले आ गए ने भी। राम राम ताया जी। ओ राम राम कुड़िए, तकड़ी है, आया नहीं अजे राम राम? तेरा चौड़ चानण किथे आया जी, मेरे ते आप दिल नू हौल पई जांदे ने। क्यों घबराउनी है ताई, जवान मुंडिया का सारी जाके दिल लग ही जाता है। ओ साडे ते कदे जवानी आई हो नहीं, मैं तो शक है किते अपने मामे दे साले बलवंत दे घर ना चला गया होवे, ओ जिहड़ा सिख बनिया फिरदा है। कि सिख बनना कोई जुर्म है ताया जी? चुप कर कुड़िए, आ सिखां नाल अपने हेज नू अपने घर रख के आया कर, तेनू इलम होना चाहिए, ये सरकारी मुलाजम का घर है। दीवान जी, दीवान जी हाकम दा दरबान आया। हाकम दा दरबान, भेज दो उसनू अंदर, कोई नवी आफतना पा दी हो सिखड़िया ने, जरा हाकम ने दरबान भेजे। दीवान जी तुहानू हजूर ने याद फरमाया। वजह? वजह तो हजूर ही दस सकते ने, ते तुहानू मेरे नाल ही चलन की ताकीद की है। चल फिर। बुद्धि चंदा की होया ही? तू ही पूछना सी दरबान कोलो कुछ। मैं हुण की दसा शानी जी थानू, दरबान ने जो मैनू गल्लां आखियां, रब करे ओ गल ना ही होवे तां अच्छी गल। फिर भी दसा सही होया की है? अपना राम लाल सिख बन गया। हजूर दीवान चूड़ बाजी तशरीफ लिया ने, उसनों अंदर भेजो। हजूर ने याद फरमाया? हां दीवान जी, थोड़े ना खास गल करनी है। दसो हजूर। दीवान जी हकूमत वफादार से ईमानदार समझती, यही वजह कि हकूमत ने तुहाडे वर्गे काफर भी जिम्मेदार अहुदे ते बिठाया हुआ है।
पर की हजूर, जब माड़े खेत खान लग जाए तो बाकियों कि नजिठा जा सकता है। मैं हजूर का मतलब नहीं समझा। ज्यादा चलाक न बनो दीवान जी, सानू खबर मिली है कि तेरा पुत्र राम लाल सिख बन गया है, ते सल्तनत उसनू फड़न का ऐलान भी कर चुकी है, ते तुसी हले अनजान बने फिरदे हो। खैर, हुण तुहाडा इह फर्ज बनदा है कि मुंडे नू समझाओ, नहीं तो साडे हवाले करो, किते इह ना होवे मुंडे कीतियां गलतियां कारण तुहानू अपना बड़ापा नवाब मीर मन्नू दियां काल कोठियां च चक्की पींदे पींदे बताना पवे। हुण तुसी जा सकते हो। सुनो सुनो सुनो, हर आम ते खास अवाम नू इतला दित्ती जांदी है कि दीवान चूड़मल दा लड़का राम लाल सिखा नाल रल के हुकूमत तो बागी हो गया है। ए बागी अपनी वोटी ते बच्चे समेत लुक छिप के रह रहा है। हुकूमत ने विजय सिंह दे सिर दा मुल 500 मोहरा रखा है। इना दी सू दे के हुकूमत दी मदद करो ते रजवा इनाम हासिल करो। सुनो सुनो सुनो। ओए, तेरा नाम बुद्धि चंद है? हाँ हजूर। चल फिर, तेनू हाकम साहब ने बुलाया है। पर मेरा कसूर की है जनाब? ये तो हाकम साहब को ले चल के पता चलेगा। मैं जरा करदा सावा। सीधा होके चल दा जा, कड़ीस के लेके जाइए। चलो जी चलो, आज पता नहीं सवेरे सवेरे किसी शक्ल वेखी सी। चल चल। हजूर, आप दे हुकम मुताबिक असि चूड़मल दा नौकर फड़ लिया आए हैं। हजूर, मेरी जान बख्शो। हजूर, मेरी जान बख्शो। तू अजकल भी दीवान दे घर चना है? नहीं जाऊंगा हजूर, मेरी तौबा मेरे बाप की तौबा, हुण नहीं जाऊंगा हजूर। घबरान, तू सानू अपना मित्र ही समझ। दूर कते मित्र? की आख्या? कुछ नहीं किया जनाब, मैं तो यही कह रहा सीगा कि तुसी साडे मित्र नहीं होवोगे ते होर कौन होवेगा? दीवान दे घर अजकल विजय सिंह बारे कोई गलबात हुंदी है जां उससे कोई ठिकाने बारे? हजूर, ये तो वड्डे घरां दी गल्लां ने ते उही जाने। देख, हुकूमत विजय सिंह नू गिरफ्तार करना चाहती है। जे तू विजय सिंह दी सू देवेगा, इनाम तां मिलेगा ही मिलेगा, ते नाल हुकूमत दी वफादारी दे एवज विच कोई सरकारी रुतबा भी मिल सकता है। तेरियां कुल्लां तर जाणगियां। हजूर, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, कोशिश नहीं, काम पक्का होना चाहिए। हजूर, हुण काम पक्का ही समझो। शाबाश, हुण तू जा सकता है। दादी जी, दादी जी, दादी जी, ये मैं सच के मारी किसे साई माई हो गया था तू? ये मेरिया तो अखा तर गई तेन देख ले। पर ओहो होया जिसका डर सी। बच्चों, वे की रूप बना लिया तुसी? क्यों, ये रूप माड़ा है मां जी? माड़ा तो नहीं, पर पता है पत्ता पत्ता सिंह का वैरी है। मीर मनु खुद हाथ में तलवार लेके इस रूप वालों का शिकार खेड़ता फिरता है। इस रूप वालों के सिरां दे तां मुल पै रहे ने। पता है मां,
पर सी सिंघा ने इस जुल्म ते अन्याय नु नथ पाउण दा निश्चय कीता। तेरे ते केड़ा जुल्म हो रहा पुत्रा, तू तो राज करदा है। मेरे ते ना से, क्योंकि मैं चोरी चुक सरकारी कर्मचारी का पुत्र जो हाँ। पर मां, इंसाफ मंगण ते सच दा पक्ष पूर्ण वालिया नु बागी कह के कतल करवाया जा रहा। नूहां तियां दे डोले लुटे जा रहे ने, इस जुल्म नहीं ते होर की है मां। तैनू तो कोई कुछ नहीं कहता ना, तू बाकी लोगों का ठेका लिया। ये ठीक है मां कि मैनू कोई दुख नहीं, पर गुरु जी बख्शी सिक्ख्या नाल इस गल की सूझ आई है कि वह मनुख नहीं पशु है जिसनू अपना ही दुख पाउंदा है। वह जवानी बेअर्थ है जो मनुखता का दर्द महसूस नहीं करती। मां, समय का जुल्म जवानी नू वंगार रहा है, ते तुहानू तां इस गल का माण होना चाहिए कि तुहाडा पुत्र इस वंगार नू स्वीकार कर रहा है। मे पुत्रा, मेरी ममता का ही ख्याल कर। मां, तू एक पंजाबन मां है, क्यों दिल ढेरी कीता? जरा उन्हां बारे भी सोच जिन्हां दे हासे इन्हां दुष्टां दे जुल्म ने गूंगे कर दिते ने। आके पंजाबन मां, दे मैनू थापड़ा कि मैं तेरे दुध की लाज रख सका। बड़ी लाज रखी है तू, किसी मुंह मुखौन जो कहीं छड़िया। दादाजी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप तो तुसा मरना ही सी, इसनु भी फाह पा देता है। नहीं दादाजी, ए तक किना सुना बाणा है, सिर ते सुनी दस्ता सजा के ते कृपाण पाके मैं कोई शहजादिया तो काटता नहीं लगता। और निकलिया बहुतिया गलां ना पड़ा, ला दे कड़ी कृपाण झटपट। मैं नहीं लाना यह बाणा, ए अणख दा बाणा है। माता जी, तुसी मनु बहादुर सिंह ते साहिबजादियां दी साखियां सुनाया करदे सी ना, ए बाणा पाके मेरे अंदर भी ओहो जिहा जोश भर आंदा। मैं भी कहा कि मुंडा हुण इसरा क्यों पै रहा है? घर अंदर पाठ करना, बच्चे नु गुरुआं दीआं कहानियां सुनाउणा, राम लाल दे बाल वधाउणा, हुण पेकी जाण दे बहाने अमृत छके सिंह बन जाणा, इह सारा कसूर इसदा इसदा। पिता जी, धर्म ते सुरबीरता दी गुड़ती दे के मैं तो एक सुचजी मां होने का फर्ज निभाया। जननी जने ता भक्त जन, कह दाता कह सूर, नहीं ता जननी वांझ रहे, काहे गवावे नूर। सूरम ताई दा पता तो उदो लगता है जदों मीर मनु दे कहर दी तलवार उठती है। पर पिता जी, जुलम तो डर के अंदर लुक जाना भी तो कोई जूना नहीं। गुरु साहिब दा फरमान है, जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता किच खाए। उठो, अपना आप पछाणो। आप बकवास बंद करते दफा हो जाए इथों, बागिया लिए इस घर विच कोई थां नहीं। चलो पिताजी, असीं नहीं रहना इन्हां डरपोकां कोल, इस कैदखाने नालों तां साडे लई जंगल वेली चंगे ने। ना पुत्रा, तू तो मेरे कोल रह। नहीं, मैं भी पिताजी दे नाल जावांगा, मैं भी घोड़े दौड़ावांगा ते कृपान चलानी सिखांगा। दूर हो जाओ मेरी अखा के सामने, हो मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। क्यों गल्ला पे करते हो? आखिर तुहाडे बच्चे ने। बस मुके सारे रिश्ते, तू भी जाना ही दफा हो जाने नाल ही। अच्छा मां जी, जो आ गया। ता
आना जाना है। ऐसी सवेर तो आवेगी ही, पर उस हनेरे दी सवेर कदों आवेगी जेड़ा जालम हाकमां दी अकलां ते छाया पिया है। वो कदों सच दा चानन वेखणगे, वो कदों जुलम करन तो तौबा करनगे। बाबा इसे लिए गुरु महाराज का आसरा लेके असी इन्हां जालमां नाल लोहा लैण लई दिन रात जूझ रहे हैं। तुसीं कौन हो भाई? मैं विजय सिंह हां बाबा। हुणे हुणे तुरकां नाल साडी मुठभेड़ होई है, गश्ती फौज हाले भी शायद साडा पिछा कर रही होवे। विजय सिंह दीवान चूड़मल दा लड़का? धन पा के मेरे, हुण तुसीं कित्थे जा रहे हो? जाना कित्थे है, मेरे नाल मेरी धर्मपत्नी ते पुत्र ने। रात कटनी है, पर जालम हाकम तो डरदिया सारे मनुख चलते फिरते मुर्दे हो गए ने। नहीं नहीं, ये गल नहीं है। जे अपने मरवाण वाले है तो बचाण वाले भी है गे ने। तुसी भाई लीला राम जी नू जानते हो? हां, सिंघा विच उन्हां दा काफी नाम सुने। बड़ा पद्धर पुरुष है, सहजधारी होके भी सिंघा नू पनाह दिंदा है। हां, नाले अन्न पानी छकांदा है। भगत जी, तुसी सानू उन्हां दे घर लै चलो। मेरे धन भाग जी, आओ आओ मेरे नाल आ जाओ। आओ तुसी। भगत जी, तुसी इस वक्त सुख ते है? सुख ओ भी इन्हना दुष्टा दे राज विच? आ विजय सिंह जी है ते उन्हां दा परिवार, इन्हां दे मगर कश्ती टुकड़ी पई होई सी। मैं लुकदा छुपांदा इन्हां नूं तुहाडे कोल लै आया। ओ जी धन भाग मेरे, आओ अंदर लंघ। मैं चलदा है जी। वेखा तां सही आले दुआले किते सूए ना विड़क लैंदे फिरदे हो। सत श्री अकाल जी। चंगा भगत जी, गुरबरकत। तुसीं इन्हां दा ख्याल रखियो। चंगा जी, चंगा, सत श्री अकाल। आओ सिंह जी। किन्ना सूझवान ते निडर आदमी है। हां जी, बड़िया खरिया खरिया ते प्यों प्यों के मारदा है इन्हां दुष्टां ते कौम दे गद्दारां दे मुंह ते। ते लोकी इस बेचारे नूं कमला आखदे ने। हां जी भागवाने, ए देख गुरु दी संगत आई है, कुछ लंगर पानी दा इंतजाम करो। हुणे लो। आओ सिंह जी, मैं तुहानूं तहखाने विच छड्डावां। आओ चलो। आओ आओ सिंह जी, लंघ आओ। सिंह जी तुसी इत्थे बैठो ते मैं हुणे आया। ठीक है भाई लीला राम जी। माता जी, ए मुगल सिखां दे जुल्म क्यों टांदे ने? पुत्तर, क्योंकि सिख गरीब मजलूम ते बेगुनाहां दे राखे ने, इसे लई ताकत दे नशे विच मगरूर हाकमां दी अखां विच रड़कदे ने। कि सानू इसे तरह ही इन्हां जालमां नाल जूझते रहना पवेगा? हाँ पुत्र, खालसा अकाल पुरख दे हलीमी राज दी फौज जदों जदों भी जुल्म ते अन्याय ने अपना सिर चुकिया है, खालसे नूं किसे ना किसे रूप विच कुर्बानी देनी ही पई है। हे वाहिगुरु, मेहर करी। भलीए लोके, सिंघां नूं तां अजिहे विखड़े समें चलने ही पैंदे ने। अकाल पुरख ते भरोसा रखो, निताणियां दे तां निथावियां दे थां न्यासरिया के आसरे गुरु पातशाह आप गौड़ी करेंगे। साहेब नितानिया का तान, साहेब नितानिया का तान, आए न जाए फिर सदा, आए न जाए फिर सदा, शब्द दी सच जान।
मुकाबला हो गया तो सिंह की पनाह की यह था सदा ले जाती रहेगी। गल तो सियाणी की सानू बाहर जान का गुप्त रस्ता दसो। भागवान ने तू उन्हें गुप्त रस्ता दस मैं सिपाहियों को गली लाना। वाहेगुरु लीला राम जी, पता लगा तो आड़े कार में कुछ बागी सिख छुपे हुए ने। हुजूर, ये सारा कार तो आड़े सामने पे है। जरूर तो अनु किसी ने कोई गलत खबर देती होनी है। खैर तुसी अपनी तसली कर लवो। चलो कार्रवाई शुरू करो। कोई भी बागी सिंह नहीं। चलो फिर तू मेरा राखा सबनी थाई। विजय सिंह बारे कुछ पक्या के नहीं? हजूर इन्हें विजय सिंह बारे की दसना है? ये हुकूमत के खिलाफ ही अवतवा बोली जा रही है। बागी विजय सिंह किथे है? बागी हाँ
थोड़े जुल्म दा मुंह तोड़न आले हुण बाकी हो गए हाँ बाकी है वो बगावत इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने पता कि आजादी क्या होती है गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने सच लई धर्म लई मनुखी आजादी लई चांदनी चौक विच शहादत पाई ओ भी बाकी सी ना है ओ भी बाकी सी ना बहुत जबान चलती है तेरी इसका अंजाम जानदा है मेरे अंजाम नालो तू अपने अंजाम बारे सोच जदों तू उस बादशाह के पेश होवेगा जड़ा जड़ा बादशाह दा भी बादशाह है जिदे एक इशारे ते परलो आ जाती है परलो आ जाती है उत्थे की जवाब देगा है उत्थे की जवाब देगा तू बदसुबान सतना के खिलाफ जहर उगलन की सजा तेनू जरूर दी जाएगी सिपाहियों इस गांव की सवाल कर दियो ते हिंदू कंगे दे विच छड़ दियो किसी भी बशिंदे की हुकूमत के खिलाफ बोलने की हिम्मत ना कर सके जगह तो यो दसी थी उस काफर सुई ने हाँ जनाब निशानियां तो यो ने बस इन्हों जंगलों में ने इन्हों चारों पासों घेर लो वेखो जनाब सामने आगे काबू बच के नहीं जान फड़ लो इन्हों काबर नू भी काबू करो इन्हां नू बन के काल कोठरी विच कैद कर दियो ते इन्हां दे तुहाड़े सख्त पैरा ला दियो होशियार रहना किते दाम मार के दौड़ ना जान मैं इन्हां नू जनाब मीर मन्नू दे हजूर जिउंदियां पेश करना है लै चलो इन्हां नू मारो
कि हकूमत के खिलाफ उठन वाला फिर जनाब मीर मन्नू के पैरों के खुद ब खुद चुप जाए। इस बहादुरी के कारनामे के लिए तुम भारी इनाम के हकदार होवोगे। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो सिंह का सिर चुका सके। यह सिर कट सकता है पर काल पुरख तो बिना किसी अगे चुक नहीं सकता। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। कोई नेक बंदा वसीले पीछे मैनू ओदी मदद ही जाना पवेगा। क्यों उस नेक इंसान से जुल्म टा रहे हो? साईं जी ये दवान चूड़मल का मुंडा है, सिख बन गया। सिख बन गया तो फिर क्यों होया? साईं जी सरकार सिखां दा बीज नाश करवाना चाहती है। इंज बीज नाश कर सकोगे बंद बंद कटवा के भी सच ते पहरा देन वाली इस कौम का इंकलाबी तूफान यूं रोक के नहीं जा सकते। सुन लिया साईं जी, सुन लिया तुसी, ये सल्तनत का दुश्मन है, इसने साडी ते साडे हकम दी रातां दी नींद हराम कर दी। ठीक ही ते कह रहा है, मेरे लिए क्यों मुसीबत से हेड़ दे? जिवें अकाल पुरख का हुक्म है उसकी रजा भी चलनी है। नहीं बच्चे, मैनू तेरे विचों अपने मित्र शहीद मनी सिंह का सरूप नजर आया। मैं उसनू सजदा करदा हां। असली सजदा तो उसने उस रूप की रिहाई है, इन फौरन रिहा कर दो। साईं जी असी हाकम नू की जवाब देवांगे? तुहानू इस हाकम का तो डर है, उस हाकम का डर नहीं जो सर्व शक्तिमान है। जदों उसने तुहानू दोजख की पट्टी भी सुट के तिल तिल का लेखा जोखा मंगया तो की जवाब दोगे? की जवाब दोगे? थोड़े नहीं, ये थोड़े रता भी रब का खौफ है, परवरदिगार का डर है। मैं बच्चे मैं इंसानियत प्रति अपना फर्ज पूरा कर देता, हूं तेरा रब रखा, रब तेरे से मेहर कर। काजी साहब इन्हों सिखड़िया खत्म करने और कि समा लगेगा? शहरों में तो इन्हों का खात्मा हो ही है, बस उ बचे ने जोड़े जंगलों में दौड़ गए हैं। पर हजूर फिक्र वाली गल तो यह है कि भावें इन्हों की गिनती बहुत ही नहीं, पर एक काफर वेले क वेले ऐसा हमला करते हैं कि कैद किए हुए सिख सिखड़ियों छुड़ा के लै जाते हैं, तो नाले साढ़े माल खजाने भी लुट के लै जाते। इन्हां कैद कीतियां सिखणियां ते उन्हां दे सपोलियां ते ऐसा तशद्दद टाहो कि सिख जंगलां विचों बाहर निकलने मजबूर हो जाण, ते जदों बाहर आउण उन्हां ते भरपूर हल्ला कीता जावे। इसे तरह ही होएगा हजूर। कहो जवान चूरमल तशरीफ लाए ने, उस नूं फौरन इत्थे हाजर कीता जाए। जी हजूर। हजूर दा इकबाल बुलंदर है। दीवान चूड़मल सल्तनत का बागी तेरे घर में लुके बैठा रहा है, ते तू चोपड़िया चोपड़िया गल्लां करके हाकम नूं धोखा दिंदा रहना हुकाराम। हुजूर इस विच मेरा कोई कसूर नहीं। खामोश। जदों चौराहे विच खड़ा करके तौणी लाई जाएगी उदों सब सुरत ठिकाने आ जाएगी। असीं ते तो सिर्फ एक गल जानना चाहुंदे हां, जदों तेरा लड़का राम लाल सिख बन के घर में आया उसकी इतला तू हाकम नूं क्यों नहीं दिती? दीवान चूड़मल
तेरी खामोशी दस दी है कि तेनू साड़ी सल्तनत ते अपने रुतबे नालों अपने मुंडे का मोह कुछ ज्यादा ही है ते ए मोह साड़ी हुकूमत लई खतरा बन सकता है ते असी इस खतरे नू सिर चुकण तो पहला कुचल के रख देंगे पहला इस नू ते किसे तहखाने विच बंद कर दियो रहे मसूर रहे 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 जा रहे मसूर रहे मसूर रहे शानी जी की पाना वरत्या है तेरा मुंह क्यों उड्या है बड़ा अनर्थ हो गया शानी जी बड़ा जुल्म हो गया दीवान जी नु कैद कर लिया गया मैं किथे किने लाहौर विच पीर मन्नू ने हाय रब्बा एक ही पाना वरत गया है नू पुत्र पोतरे नू करो बेकार भी कीता सरकार दी वफादारी दा सानू ए सिला मिलिया हाय रे जालमो तोड़ा कख न रहे ठीक ही आखदा सी मेरा पुत्र के गुलामा दे जिंदगी जान दारा था मौत किते चंगी है जा रही है कितने उस रात जिथे मेरा पुत्र विजय सिंह गया है मंडी लगी हुई है देख दे की हो ले चलो फिर एक एक कोई अबला मुसीबत विच हां चलो फिर कूच करिए चलो ना और दुष्ट नस के ने बीबी तू कौन है ते किथों दी रहन वाली है सिंह जी ये कुछ ज्यादा ही डरी हुई लगती है इसनु छोड़ी ले चलते हैं ठीक है सिंह जी चल पहने मैं पुत्र मैंने भी ले चलो ना माता तू कौन है ते किथे जाना चाहती है पुत मैं विजय सिंह दी मां मैं अपने लाल कोल जाना चाहनी हूं पुत्र विजय सिंह ने माता जी तुसी ते इत्थे बियाबान जंगल चलो तुसी भी साडे नाल छोनी चलो क्यों दे वक्त रहो रब थोड़ी उम्र लंबी आ करे खालसा सोए जनिंदा त्यागे खालसा सोए लड़े हुए आगे खालसा सो परदेश दे आगे खालसा सोए नाम रत लागे खालसा सोए गुरु हित लावे खालसा सोए
साढ़े माता जी आए ने। माता जी? हाँ जी। माता जी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। मेरा पुत्र मेरा लाल हाँ क्यों इन्हें हौसले टाए ने? हौसले टाए नहीं पुत्र मेरा हौसला तो सगो वध्या है तैनू ते तेरे साथियों ने चढ़दी कला विच वेख के आओ मां आओ भैन जी आया नू जथेदार जी आ कुछ पूंजी है बड़ी संभाल के रखी थी इसनू तुसी गुरु दे लंगर ते धर्म कार्जा दे लेखे ला दियो भैन तू तन्न है हुण साडी जित यकीनी है क्योंकि हर इंसान किसे ना किसे तरह नाल साडे नाल जुड़ रहा है तुसी ठीक फरमाया जथेदार जी होर सुनाओ मां जी की सुनावा पुत्र सारा घर तीला तीला हो गया तेरे पिताजी नू नजार माने कैद खाने में सुट दिता है हाँ पता लग गया सी मैं तो उन्होंने बहुत समझाया सी कि हाकम किसी दे भी मित नहीं इना था ता ओ हाल है सप्पे दुद्ध प्याई है विख मोहो सट्टा है पर पिताजी उन्होंने फिर तो हुकूमत की वफादारी का पूत सवार सी मेरी नूह तो निकड़ा कितने ने माता जी वो भी मीर मनू की कैद विच ने हाय मैं मर गई ले पुत्र तू ते तेरे साथी तो बिगानियां तियां पैणा दी इज्जत जालमा दे हथों बचाउंदा फिरदे हो ते तू अपने बच्चे मां वाहेगुरु दी मेहर सदका एदा भी हीला हो जावेगा लै नी पीए मैं तो अपने पुत्र दियां गल्लां विच ऐसी लगी कि तैनू विसार ही बैठी माता जी कौन है बीबी इस दे मगर तुर्क सिपाही पए सन चुकल जाना चाहते सन इन्हां सिंघां ने इस विचारी दी उन्हां कुत्तियां तो खलासी कराई है ये कौन है तू मैं मुसलमाना दी कुड़ियां मैं तुहाडा एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकदे जो तुसीं मेरी आबरू बचा के मेरे ते कीता है भैन ये ते गुरु दे सिख दा धर्म है गरीब मजलूम दी रक्षा करना ते पर बेटी को बेटी जाने पर स्त्री को मात बखाने ये सिख नूं गुरु वल्लों बख्शी होई जीवन जाच है वाह हुकूमत जी ना सिंघां नूं लुटेरे ताड़वी ते बागी कह के तिरस्कार रही है उन्हां दा इन्ना उच्चा ते सुच्चा किरदार वीर मैं भी तुहाडे नाल रलना चाहुंदी हां ते मैं उत्थे हरगिज वापस नहीं जाना चाहुंदी जिथे धियां भैणां दे डोले लुटे जांदे होण ते उन्हां दी इज्जत महफूज ना होवे नहीं बेटी ये संभव नहीं असीं तैनूं तेरे घर जरूर पहुंचावांगे सिंह जी अल्लाह दा वास्ता जे मैनूं नरक वल ना धकेलो ये नहीं हो सकदा बीबी तू अमानत है तैनू तेरे घर महफूज पहुंचाना साडा फर्ज है जे तू साडा भला चाहुंदी है अपने पिता दे कोल चली जा सिंह जी मैं तुहाडा भला भी चाहुंदी आ ते तुहाडी जित भी सिंह जी इस बच्ची नूं कुछ खुआ पिया के इसे घर छड्ड के आओ जा बच्ची वाहिगुरु सदा तेरे अंग संग सहाई होवे जा वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आज हुकूमत खुद चल के इस फकर फकीर दे गरीब खाने दे आई है भाई जी तुम्हारे खिलाफ शिकायत है कि तुसी हुकूमत दे बागी विजय सिंह नु सरकारी ग्रिप तो छुड़ा के भजा दिता है ये दुरुस्त है एक जानते हुए भी जो काफर है दीन दा वैरी है मोमना दी बरखिलाफी करता है ते साडे बादशाह दा सब तो वड्डा दुश्मन है जे सच ते पहरा देना बगावत है तो हर नेक इंसान बागी है वो काफर किवें हो सकदा है ओए काफर तो होंदा जेड़ा कुफर तोले ते सब तो वड्डा कुफर है इंसान नु इंसान ना समझना काफर ते तुसी खुद बन बैठे हो जो खुदा दे खौफ नु भुला के जबर ते जुल्म नाल अपनी हुकूमत या जेड़ा अपने हत्थी खोखलियां कर रहे हो सही जी लगाम दे अपनी जुबान तुहाडी आवाज चो ता गद्दारी दी बुआ रही सी बात करन वाले बच्चे इसे लिए सतनत तुहाडा अदब कर दी ते तुसी ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਦਬ ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਦਬ ਕਰੋ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ
पेश कर सकते। यह किवें हो सकता है कि मैं पूरे होशो हवास एक बेकसूर नेक इंसान नूं बगाड़ा मोर छोड़ देवां? तू सरकार नाल टक्कर ले रही, साईं जानदा है इसका हशर सिर्फ मौत है मौत। मैं भी शहीद मनी सिंह तो सबक ले आए, मेरा सिरी तेग दी धार नूं सलाम करन लई तैयार है। इसका मतलब तू उस काफर सिखरे बारे कुछ भी दसन दे लई तैयार नहीं? हरगिज नहीं। सिपाहियों, साईं दा दिमाग फिर गया, इसकी अकल फिट गई है, गिरफ्तार कर लो इसनूं ते ले चलो, इसका सर पिछ चुराहे खड़ा करके कलम से दिता जाए, ताकि लोगों को इल्म होए हकूमत नाल गद्दारी करना हशर की होता है। आज मैं ना गद्दार हां, ना गुस्ताख हां, ना मोमन हां, ना साई हां, आज मैं एक इंसान बनने की कोशिश कर रहा। या अल्लाह मैनू ताकत बख्शी, ताकत बख्शी मैनू मेरे बौला। लेट्स गो लेट्स नो की गल इत बड़ा कट्ठ होया? तेनू नहीं पता हाकम ने साईं सरबशाह नु कतल करन दा हुक्म दिता है। साईं सरबशाह नु? उन्हें हाकम ने की बिगाड़े? साईं ने हुकूमत दे बागी विजय सिंह नु कैद चो छुड़ाउण च ओदी मदद कीती है। अच्छा फिर तो ठीक है। है भाई की ठीक है? रब की बंदगी करने वाले फकीर दा ए शाही कम च दखलंदाजी दा भला की कम? वाह, किसे सच्चे इंसान दी मदद करना रब दी बंदगी नहीं कि बहुआ बेटिया दी इज्जत नु बाजार च रोलण वालियां दे खिलाफ जूझण वालियां दा साथ देना रब दी बंदगी नहीं कि घर च कुट कुट के जुल्म सहना रब दी बंदगी है? लीला राम जी हौली बोलो, जे किसे सूजे ने सुन लिया ते अनर्थ हो जाएगा। अजे भी वक्त है, क्यों अजाई मौत मर रहे हो? हले भी काफर विजय सिंह का ठिकाना दस दो, तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है। तेनू हुकूमत का नशा है ते इसलिए इस मदोशी में तू की कर रहा है तेनू नहीं पता। जा, खुदा तेनू माफ करे। या अल्लाह, भड़कते ने ते तुहाडे सामने तुहाडे खिलाफ बोली जा रहे ने। सिपाहियों, कहर लिया दो, इना दे घर बार फूट दियो, इना दिया औरतां बच्चियां नूं काल कोठियां विच सुट दियो, इना दे इना जुलम करो, इना जुलम करो कि जनाब वीर मन्नू दे नाते तौबा
तौबा कर उठान। सत श्री अकाल सिंह जी। गुरबर अकाल। आओ लीला राम जी, तुसी इत्थे सब सुख है ना? बड़ा नर्थ हो गया सिंह जी। क्यों, की होया? जालमा ने साईं सर्वशाह दा कतल कर दिता है। वाहिगुरु वाहिगुरु, साईं सर्वशाह दा कतल? इस राज विच साईं सर्वशाह वर्गी उच्ची ते सुची शख्सियत दा कतल हो सकदा है? तो समझो इस जालम हुकूमत दा सूरज हुण डुबण ही वाला है। भाई लीला राम जी, ये सब होया कि में? कुछ ना पूछो सिंह जी, वो समय याद करके हुन भी आत्मा कम उठती है कि किवे उस दरवेश नू पकड़ के ते विच चराहे दे लिया के खड़ा कर दिता गया। उसनू बार बार तुहाडे टिकाने बारे पूछा गया, पर सही जे टस तो बच ना होए, मौत नू सामने वेख के भी वो डोले नहीं। आखिर जालिम की तलवार उठी तो साई जी का सिर धड़ तो अलग कर दिता गया। वाहिगुरु, इन्ना खैर होया? सानू बचाउन लई साई जी ने किन्नी वड्डी कीमत सारी कि सारे लोग मुर्दे बन के वेखते रहे, किसे भी आत्मा ने लांस ना पाई। क्यों नहीं, भगत जी ने जबान ना होंदया होया भी
लोकां दी आत्मा नू ऐसा चिंजोड़िया क्यों हाकम दे खिलाफ पड़क पए। लोकां दीआं अखां ने खून दे अथरू रोए पर जालम हाकम ने लोकां ते ऐसा कहट आया कि जनता त्रा त्रा कर उठी। बच्चे बुढ़े मर्द ते तीवियां को को के मारे गए। स्त्रियां नू घरां चो कढ के गलियां च रोलिया गया ते बुजुर्गां दी सियाणप नू पैरां थले रोलिया गया। बस भाई नीला रांधी बस, सुलन दी दास्तां असीं होर नहीं सुन सकदे। सिंह जी इस हाकम ते मीर मन्नू दा पस्ता हुण वढणा ही पैणा है। हाकम नू इस दी भाजी मोड़नी ही पऊ। मीर मन्नू वल्लों चलाई है सुलन दी हनेरी नू ठल पाउणी ही पैणी है। तुसीं दुरुस्त फरमाया सिंह जी, इन्हां सरवाणियां नू नष्ट पाउण लई हुण सानू कुछ करना ही पवेगा। फिर करा हुकम जथेदार जी, साडियां तेगां इन्हां जालमां दा लहू पीण लई तरस रहियां ने। सिंह जी लोहा तत्ता जे सट मार देनी चाहिए। कैदी बीबियां ते बच्चियां दा एक काफला अज लाहौर ले जाया जा रहा है। बस ते ठीक है विजय सिंह जी। जी तुसी कुछ सिंघां दा जथा नाल लेके इन्हां मजलूमां नू छड़ाउण लई हमले दी तैयारी करो। सत वचन जथेदार जी। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੱਕ ਕੇ ਲਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਪਰ ਵੀਰਾ ਅਸੀਂ ਤੀਵੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਯਾਦ ਕਰੋ ਮਾਈ ਪਾਕ ਔਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਗਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਵੀਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੀਆਂ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੀਆਂ।
ਵਿਦ ਜਗਤੀ ਵਿਭੂਤਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋੜੋ ਸਗਲ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ फौज लेके कानू आन वाल आवेगा राह उस नाल दो दो हथ करांगे भाई बिजला सिंह जी तुसीं कोई सिंघां दा जथा लैके मनु की कैद विचों बीबिया ते बच्चियां नूं मुक्त करवाउण लई हल्ला बोल देना वाह बहुत वधिया तरकीब सोची जाओ सिंह जी मीर मुन्नू तो कह खबर पहुंचाने का हीला करो सतवचन जथेदार जी मीर मुन्नू Thank you.
इना हुसीन चेहरा तो असी पहला कदे नहीं वेख्या। ऐ हुसन दी मलका, तेरा इत्थे की कम? तैनू तो साडे महिला भी छोड़ना चाहिए दे। की तू साडी बेगमण लई तैयार है? नहीं, ना मैं अपना धर्म छड़ सकदी हां ते ना ही अपना पति। पति? पति भावे कतल हो चुका होवे बेशक तैनू अपने इस बच्चे का जरा भी ख्याल नहीं? जे तेरी इस नां दे बदले तेरे इस बच्चे नू कतल करवा दिता जावे फिर? मीर मन्नू, मैं सिंगणी हां, जे मैं इस बच्चे नू जन्म देण दी समर्था रखदी हां तां इस दे टोटे टोटे करवा के पंथ दियां नीहां च पाउण दी समर्था भी रखदी हां। मैं उहनां दी धी हां जिन्हां ने धर्म दी खातर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिता। वेख लवेंगी अपने बच्चे दी मौत अपनी अखां दे सामने हैं? ए बच्चा शेर है मीर मन्नू, ए कुर्बान भी हो सकदा है ते मैं इस नू शहीद हुंदा भी वेख सकदी हां। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कृपा सदका मैनू ए विश्वास है कि मेरा बच्चा डोलेगा नहीं। क्यों पुत्र? तुसी ठीक कहंदे हो माता जी, मैं बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह दा वारिस हां। मैं इहदियां गिद्दड़ पक्षियां नूं डरन वाला नहीं। गस्ताख लड़के, जदों मेरे जलादां ने तेरे नरम नरम जिस्म नूं गर्म जमूरे नाल नोचिया तां धर्म दी गल सब भुल जाएगा। जान देंगे, धर्म नहीं जान देना, सिर तर दी बाजी ला देंगे। ओ जड़ी मौत तू सानू डरा रहे हैं, असी मौत दे होश भुला देंगे। ये सब कहण दी गल्लां ने कि अजे भी यकीन नहीं आया इन्हां मावां दे बच्चियां नूं तू कतल करवाया है कि उन्हां मावां ने अपने बच्चियां दे टोटे हसते हसते अपनियां झोलियां विच नहीं पवाए कि उन्हां ने सी कीती कोई जां तरला कीता। मावां दे मासूम बच्चियां नूं कतल करवा के उन्हां दियां झोलियां विच पवाना किधर दी बहादुरी है? मैं मावां नूं कुछ नहीं कह रहा, मैं तां जमदियां सूरां दे मूंह भन्नणे चाहुंदा हां, पुंगर दे बीजां नूं झुलसणा चाहुंदा हां, फुट दियां करंबलां नूं फना करना चाहुंदा हां, जंब दे सिखां नूं। ते जंब दे सिखां नूं तबाह करना चाहुंदा हां। तबाह काट सकेगा? बिल्कुल, लोहा गरम करके कुट्टण नाल खत्म नहीं होया करदा, सगों ओहदे हथियार बनदे ने। तेरा ख्याल है बच्चे मावां दियां झोलियां च मर गए ने? नहीं, सगों ये कई रूप धार के जमण गए। मैं नहीं जमण देंगे ना मास दे जहरीले टोटियां नूं। इन्हां टोटियां तो ही जुल्म दे टोटे करण वाले पैदा होने ने। ऐ गुस्ताख औरत, असी सिर चुकवाउणा जाणदे आ। ए सिर मेरे वाहिगुरु दी अमानत है, ए कलम ता हो सकदा है पर चुकाया नहीं जा सकदा। इहनू छेती तो छेती साडे महलां विच पटा दिओ। मैं नहीं जाणा, भावें मेरे टोटे टोटे कर दिओ। लै चलो इसनूं। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए ने लोग, पता खौफ नहीं, पता जान की परवाह नहीं। पानी के चंद कतरे पी के जिसमें अमर कहने ने पता नहीं किधरों ताकत आ जाती है। और मैं भी ना सिखा नू ऐसा चौन चौन के मारांगा कि इन्हों का नामो निशान मिटा देंगे इस धरती तो। साडे सुइयां तक पक्की खबर मिली है कि विजय सिंह अपने कुछ साथियों समेत कानू वान के जंगलों में छुपया होया है। विजय सिंह बहुत अच्छी खबर मिली है, इस विजय सिखरे का शिकार असी खुद करांगे, कूच की तैयारी करो। Thank you.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ ਮਾਂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਮਾਂ 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 ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਮੈਂ ਮੈਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਮਾਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਸਿਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਵਾ ਪੀ ਲਓ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਸਪਨਾ ਕੀ ਰੇਨਕਾ ਮਾਰੇ ਪਾਸ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਂ ਚਿੰਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਵੇਖੋ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਦੀ ਅਣਖ ਰੱਖੇਗਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਯੋਧਾ ਬਣੇਗਾ ਮਾਂ ਯੋਧਾ ਬਣੇਗਾ ਯੋਧਾ ਬਣੇਗਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਕਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਕੇ ਕਰਾਂਗੀ ਵੀ ਕੀ ਪੁੱਤਰਾ ਮਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਵੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਉਸ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਇਹ ਪੰਥ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਮਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਤਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਧੁੰਦ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਘਾਂ ਰੂਪੀ ਚਮਕਦਾ ਦਮਦਾ ਸੂਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਏ ਜੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੇਵਿਓ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥਿਆ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਸੁ